देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है, लेकिन मेरे सबसे निवेदन है कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये जो बीजेपी के लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं, अभी महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक धरना हो गया, 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकलकर आ गए, और क्या निकलकर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला तो आप रोड पर निकलकर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन, निकाल दो लिस्ट। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक के सरकार उनका नाम है, उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप, और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आपते का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदन लाल पाहवा का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी, बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्हें बोल दिया नहीं फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप।